वैश्विक बाजार में कच्चे महंगे तेल की वजह से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की चिंता के बीच सोने चांदी में मजबूती दर्ज की गई है। विदेशी और घरेलू बाजार यानी MCX पर सोना चांदी मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए थे। डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मुनाफा वसूली की वजह से विदेशों में सोने चांदी में मजबूती देखने को मिली। गुजरात की गोंडल मंडी में नई जीरे की एक बोरी 7,000 रुपए प्रति 20 किलोग्राम की बिकी है, जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ऊंचे स्तर पर बिकी है। हाल ही में नए जीरे की आवक का दबाव आगामी फरवरी के महीने के पहले पखवाड़े के अंत या दूसरे पखवाड़े के आरंभ में बनने का अनुमान है। केरल के गांव देहातों में बीते करीब 1.5-2 महीनों से काली मिर्च की नई फसल की आवक आ रही है। वहां से दिल्ली जैसे अन्य प्रमुख खपतकार मंडियों को सीधे से ही सौदे होने के कारण केरल की कोच्ची समेत अन्य प्रमुख मंडियों में काली मिर्च की आवक ना के बराबर बनी हुई है। केरल और कर्नाटक में काली मिर्च समेत जिंसों का थोक व्यापार चालू है, लेकिन महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने की वजह से कामकाजी गतिविधियां सामान्य से सुस्त बनी हुई हैं। अतः आगामी दिनों में हाजिर में काली मिर्च में तेजी का अनुमान कम ही है। भारत के खाद्य तेलों के आयात बिल में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान देश का खाद्य तेल आयात बिल 75% बढ़कर 104,354 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 59,543 करोड़ रुपए था। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल का कहना है कि इस साल सूबे में पिछली बार से अधिक यूरिया की खपत हुई है, क्योंकि बुआई के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। हरियाणा में 17 जनवरी 2022 तक 8.65 लाख मेट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है, जबकि 2021 में इसी अवधि के दौरान 8.42 लाख मेट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई थी, जो इस बात को दर्शाता है कि इस वर्ष किसानों को यूरिया की आपूर्ति पिछले वर्ष की तुलना में 23,000 मेट्रिक टन अधिक करवाई गई है। 8 जनवरी को बारिश के बाद लगातार पड़ रही सर्दी फसलों के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन कुछ स्थानों पर अगेती सरसों में सफेद रतुआ नामक बीमारी की शिकायत आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में बारिश की संभावना फसलों के लिए फायदेमंद है। कृषि विशेषज्ञ के अनुसार हल्की बारिश होती है तो अगेती और पछेती फसलों को फायदा होगा, यदि तेज बारिश होती है तो अगेती सरसों को नुकसान हो सकता है। खल के निर्यात में गिरावट को देखते हुए सोयाबीन प्रोसेसरों का कहना है कि अगर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है और सोया उत्पादों के मूल्य वर्धन को बढ़ावा दिया जाता है तो घरेलू सोयाबीन खल के निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊंची कीमतों के कारण इस नए तेल वर्ष में सोयाबीन खल के निर्यात में भारी गिरावट आई है। नोपा के अनुसार अमेरिका में दिसंबर के महीने में सोयाबीन की पेराई में जोरदार तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में अमेरिकी सोयाबीन की पेराई अब तक के उच्चतम स्तर 186.438 मिलियन बुशल यानी लगभग 5.073 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज की गई है, जो कि नवंबर के मुकाबले 3.9% और वार्षिक आधार पर 1.8% ज्यादा रही है। दक्षिण अमेरिका में सूखे के बीच सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने के कारण अमेरिकी सोयाबीन की रिकॉर्ड पेराई से अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पाम तेल का उत्पादन करने वाले देश इंडोनेशिया ने अपनी तेल निर्यात नीति में अहम बदलाव शुरू कर दिए हैं। इंडोनेशिया ने निर्यातकों के तेल शिपमेंट नियंत्रित करने के संकेत दिए हैं। निर्यातकों को शिपमेंट की पूर्व परमिशन लेनी होगी। निर्यात की पूर्व में सरकार को जानकारी भी देनी होगी। उत्पादकों को पहले से ही निर्यात की मात्रा बतानी होगी। इंडोनेशिया में तेल की कीमतों को काबू करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं।